बिल्कुल, देखिए जश्न की तस्वीरें हमने देखी और दिखाई भी, लेकिन ये जश्न जो है उसका आगाज हुआ है, क्योंकि सीधे तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, जो लगातार मांग कर रहे थे पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और ये जश्न शुरू हुआ है। इनका साफ तौर पर कहना है कि एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और आखिरकार मुख्यमंत्री ने अपने वादे के अनुरूप उनका अपना वादा पूरा किया, इसीलिए हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। सीधे छोटा छोटा रिएक्शन लेते हैं, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें, ये खुशी की तस्वीरें और सब चेहरे पर रंग गुलाल साफ तौर पर ये नजर आ रहा होगा। ये बताने के लिए काफी है कि जो खुशी इन्हें मिली है वो आगे जिस तरीके से खुशी मिली है उनके चेहरे पर साफ स्पष्ट हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बड़ा फैसला लिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से, सौगात मिली है जी। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा झारखंड के सभी पेंशन विहीन कर्मचारियों को आज पेंशन व्यवस्था पुनः बहाल कर दी गई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको और बहुत बहुत आभार प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों को। आज हमारे लिए ईद, दिवाली, क्रिसमस सारे त्यौहार आज हमारे लिए हैं और हम लोग बेहद खुश हैं। एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी कि ये जश्न कब तक चलेगा। ये जश्न अभी चलेगा क्योंकि ये बहुप्रतीक्षित मांग थी और आज झारखंड में चूंकि पिछला कैबिनेट में ही पुरानी पेंशन बहाली की मंजूरी मिल गई थी और उसके लिए जो एसओपी का गठन हुआ था, आज एसओपी को भी उसका मंजूरी मिल गया है, यानी आज 1 सितंबर से यहाँ झारखंड में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो गई है और सीपीएफ कटौती बंद हो गया है। आज से सभी हम लोग पुराने पेंशन के दायरे में आ गए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आधी आबादी भी है। मैडम, आप लोग भी अंदर जश्न मना रही थी और अभी फूल गुलदस्ते तमाम चीजें हैं, क्या कहना चाहेंगी? कितनी बड़ी ये खुशी है? ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है और हम आज बहुत खुश हैं। झारखंड सरकार को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज हमारा मांग पूरा हो गया और इसके लिए हम बहुत बहुत उनको धन्यवाद करते हैं। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। क्या क्या सोचते हैं, कितना जरूरी था ये लागू करना मुख्यमंत्री ने अपने वादे? एक्चुअली हमारे लिए बहुत जरूरी इसलिए था क्योंकि ये बुढ़ापे की हमारी सहारा है हमारे लिए, और पेंशन के बिना जो है हमारी बुढ़ापा अधूरा है, और जो पुरानी नई पेंशन व्यवस्था थी इसमें हमारा लाइफ सिक्योर नहीं था। आपके चेहरे पर रंग गुलाल, कितनी खुशियां मनाई और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हमारे लिए जो है कि बहुत सारे कर्मचारियों के लिए बहुत प्रतीक्षित मांग था और इससे हमारा बुढ़ापा सुरक्षित हो जाएगा। बिल्कुल, इसलिए जो है कि हम लोग बहुत दिनों से जो है कि इसके लिए पुरानी पेंशन के लिए जो है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा मिल गया है। हम लोग लाइफ टाइम हेमंत सोरेन को धन्यवाद देते रहेंगे, जीवन भर उनको नहीं भूलेंगे हमारे बाल बच्चे। कामरान, हम सुन पा रहे हैं कि किस तरीके से सरकार को बधाई दी जा रही है, और आपको बता दें कि जब पुलिस कर्मियों के लिए छुट्टी की व्यवस्था की गई थी उस दिन भी यही कह रहे थे कि सरकार भले संकट में हो लेकिन हमारे लिए जो तोहफा मिला है हम उसके लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। चंदन, संक्षेप में और बताइए कि और क्या बड़े फैसले लिए गए इस कैबिनेट की मीटिंग में? देखिए, कुल 25 प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में लाए गए जो कई विकास कार्यों से, निर्माण कार्यों से जुड़े हुए थे, लेकिन इसके अलावा जो बड़ा फैसला देखने को मिला वो ये कि सहायक पुलिसकर्मी जो जिनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था और 1 महीने का अभी लगातार उनके संघर्ष के बाद 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था, 1 साल का भी इस कैबिनेट की बैठक में सभी सहायक पुलिसकर्मियों को एक्सटेंशन दे दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में मुहर लग चुकी है, तो इससे भी सभी सहायक पुलिसकर्मियों को 1 साल के लिए कह सकते हैं कि उनका एक्सटेंशन मिला है, जो राहत की खबर है। इसके अलावा झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र की बात पे एक दिन की, ये मानसून सत्र का ही एक हिस्सा होगा जो 5 तारीख को विशेष सत्र के तौर पे 11 बजे से आहूत किया जाएगा, तो इसमें भी सरकार अपनी ताकत कहें फ्लोर पे दिखाने की कोशिश करेगी। जो असमंजस जैसे हालात हैं राज्य में, जिस तरह से बिल्कुल हर दिन चर्चा का बाजार गर्म है, उन सब के बीच फ्लोर पे जाकर बतौर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कहा जा सकता है कि और भी कई फैसले लिए गए हैं, यानी कहीं ना कहीं सामने से लड़ने की बात यहां पर सरकार की तरफ से कही जा रही है।